अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। मुझे ना कुछ लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट्स आए कि उन्होंने पूछा कि जी अच्छी गाय कहाँ से मिलती है। सो उसके बारे में बात करते हैं, अच्छी गाय आपको कहाँ से मिल रही है। मेरी नज़र में तीन ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन कि आप किसी बड़े अच्छे फार्म से विलायती गायें ले लें, ठीक है, जिसका पूरा रिकॉर्ड हो, जो इंपोर्ट हुई हो, जो यहाँ पे पैदा हुई हो, वो होती विलायती है। विलायती की एक निशानी होती है प्योर ब्रीड, ठीक है जी। पहली ऑप्शन ये है, ये बड़ी महंगी है, ये स्टार्ट होती है 7-8 लाख से लेकर 11-12 लाख रुपये तक जाती है, डिपेंड करता है कि गाय कैसी है, कितना दे रही है, क्या नहीं दे रही। दूसरी ऑप्शन है जी कि आप मंडियों में से ले लें, मंडी में जाएं तो जुआ खेलें, गैम्बल करें कि यार चलो जी मंडी चल के गाय लेने हैं, बड़ी बढ़िया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छी गाय आती है पैसों की, सस्ती गाय भी पैसों की आती है, लेकिन अच्छी गाय आती है ज़रा ज़्यादा पैसों की। तो ज़्यादा पैसे लगाएंगे, जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा है, वो वाला सीन है। और उसमें आपने ये नहीं देखना कि मैं 2-3 लाख रुपए की गाय ले आनी, फिर नहीं बताना आपको। जब क्योंकि जब आप 20+ लीटर्स की बात करते हैं गाय की, तो देन आपको पैसे बजट खर्चना पड़ता है 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। ये लोकल ब्रीड यानी कि मिक्स क्रॉस ब्रीड की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम बड़ा आ जाता है। वो मंडी में जाएं, व्यापारी के पास जाएं या किसी फार्मर के पास जाएं, आपको ये नहीं पता होता कि ये जो गाय मैं लेने लगा हूँ, इतने पैसे भरने लगा हूँ इसके, मैं ये पैसे मैं क्यों भर रहा हूँ, इसका तो रिकॉर्ड ही मुझे नहीं पता। ये फार्मर कह रहा है या ये व्यापारी कह रहा है, गया जी पहला लैक्टेशन है, पहला सुआ है, दूसरा है या तीसरा है, आपको तो पता नहीं है, गाय ने आपको खुद बताना नहीं है। सो ये जुआ होता है। मैं खुद मंडियों में से लेके आता रहा हूँ जानवर, तो कई दफ़ा जुआ ख़राब हुई हुआ हारा हूँ मैं, और अब मैं बड़ा केयरफुल हूँ। मैंने जब मंडी में नेक्स्ट टाइम जाना, तो मुझे मैंने बड़ी अच्छी गायें लेके आनी है। अगर मेरा बजट 4 लाख से 6 लाख रुपया, तो फिर मैं क्रॉस ब्रीड की गायें लेके आऊँगा, ये सेकेंड ऑप्शन चल रही है। और अगर मेरा बजट ज़्यादा, तो मैं पहली ऑप्शन पर जाऊँगा, पहली ऑप्शन में जाके मैं विलायती गायें लूँगा। तो दूसरी ऑप्शन में जो रिकॉर्ड वाली बात है, रिकॉर्ड तो है नहीं, सो आपने तंग होना है। आई थिंक मेजोरिटी ऑफ पीपल, जो लोग मंडियों से बाय करते हैं, वो तंग ही होते हैं। बड़े कम लोग होते हैं जो सुखी हो जाएं। और वो बात मैं करता होता हूँ कि जी अज गां तुहाडे कोल, कल किसे कोल, तो परसों किसे कोल, ये वाला सीन होता है मंडी वाली गाय का। सो ये है जी मेरी नज़र में दूसरी ऑप्शन। अब तीसरी ऑप्शन जो कि बड़ी हट के है, तीसरी ऑप्शन है जी खुद अपनी ब्रीड तैयार करें। अच्छा, उसमें ये नहीं होना कि आपको आज गां ले आए थे, कल पैसे मिल जाने दूध बेच के, उसमें ये होना आपको मेहनत करनी पड़नी है, सब्र करना पड़ना है। जिस तरह मैं कर रहा हूँ, बच्चियाँ लेके आ रहा हूँ पहले दिन से, उनको पाल रहा हूँ, यानी कि 2-4-10 दिन की बच्चियाँ ले आता हूँ मंडी में से, उनको पालता हूँ, फिर पालने के बाद पाल रहा हूँ, 4-4 महीने की होगी, कोई 5-5 महीने की होगी, कोई 2 महीने की है। सो 2 साल का टाइम पीरियड है मेरे लिए, 2 साल का वेट है उस फार्मर के लिए जो इस ऑप्शन के ऊपर चलता है, उस इन्वेस्टर के लिए जो इस ऑप्शन के ऊपर चलता है। लेकिन मैं एक मजे की बात बताऊँ, जब आपकी ग्रोथ रेट जो है आपकी, जो बच्चियों की, आपकी ब्रीड की जो आप पाल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड आती है, अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर मीट करती है, तो फिर आपको तीसरे, चौथे या छठे महीने में जाके ना आपको समझ आ जाती है कि यार मैंने सही फैसला किया था, मैंने इनको लाया, मैं मंडी से नहीं गया, मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं थे, व्हाट्स एवर रीज़न, मैं रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता था। पहली दफ़ा तो मैं भी 10-15 विलायती बच्चियाँ लेने निकला था घर से, तो मैंने कहा यार ये लेते हैं, 10-20-25 लाख रुपये लग जाना था, लेकिन 20-25 लाख रुपए लगाने के बाद पता चलना था 6 मर गई हैं बेचो, तो फिर वो मैंने मर जाना था। फॉर एग्जांपल फार्मर मर जाता है, पता नहीं था ना। सो अपनी ब्रीड पे काम करेंगे, घर की पे तैयार करेंगे, सब्र चाहिए होगा, पैसे बड़े चाहिए होंगे, आना कुछ नहीं,
दो साल तक जब दूध को जब तक दूध का एक कतरा नहीं आएगा आपकी जेब में से पैसे लगते रहने। लेकिन ये दो साल का जो टाइम पीरियड है मेरे, मुझे तो बड़ा स्पीडी लग रहा है मुझे। मैं तो 5 महीने पहले लेके आया था, मुझे तो पता नहीं चला क्योंकि मैं उनमें गुम हुआ हूँ, उन बच्चियों में। मुझे मज़ा आ रहा है उनको पालने का, मैं सीख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह 2 साल भी ख़त्म हो जाएंगे और मुझे ये उम्मीद है कि जब 2 साल ख़त्म हो जाएंगे, 2 साल बाद आप फर्ज करें 5 या 10 बच्चियाँ आपकी दूध पर आ जाती हैं, तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि आपने बहुत सही फैसला कर लिया। वो क्रॉस ब्रीड की हों, वो प्योर की हों, उन्होंने आपको इंशाल्लाह मज़ा कराना है। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से उन्होंने बड़ा सही मज़ा कराना है, क्योंकि वो आपके घर का बच्चा है। जो घर वाला, आप याद रखें, कोई फार्मर अनलेस उसको बड़ी ज़रूरत पड़ जाए, कोई फार्मर अपने घर की अच्छी ब्रीड नहीं बेचना चाहता। कोई फार्मर, उसका दिल ही नहीं करेगा यार मैं चंगा दूध देने वाली गां या मज तो है छोड़ गया ना, मज की तो मैं बात नहीं करता, गाय मैं बेच दूँ, अनलेस उसको बड़ी एमरजेंसी जरूरत पड़ जाए। ये बड़े फार्म्स भी ऐसे करते हैं जिसके पास 600 का हर्ड है, जिसके पास 300 का हर्ड है। ये लोग कोशिश करते हैं हमें अपनी अच्छी बच्ची ना निकालनी पड़े, ये पैसे उतने ही ले लेते हैं। सो उसमें भी आपको जो पहली ऑप्शन है कि अच्छी विलायती गाय लेके आनी, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। आपको बहुत आंखें खोल के फैसला करना पड़ता है यार कि ये चल गए थे हैं बड़े बड़े शेड 500-700 गाय को ले गई है, बंदा साढ़ा फ्राड नहीं मारेगा, ऐसे को लेके आइए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी मार जाता है, वो उसमें भी बड़े लोग हैं। सो बड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कवर करनी पड़ती हैं, बड़ी चीज़ें ऐसी हैं। सो आई थिंक आप लोगों को अच्छी गाय मिलनी है जनाब पैसों से, अच्छी गाय मिलनी है और अच्छी गाय बननी पैसों से है। अच्छी गाय का ध्यान रखेंगे आप, वो पैसों से रखा जाएगा। सो ये सारा मेरी नज़र में नतीजा कहते ना हासिल असूल है कि भाजी तुम गां चंगी लैनी तो किमें लैनी। तो मैं ऐसे करता हूँ और मैंने जाना है, किसी दिन मेरा मूड बना तो मैंने मंडी चले जाना, मैंने जाके गाइयाँ ले लेनी है, या किसी दिन बना तो मैंने बुलाती गाइयाँ ले लेनी है। तो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बात बताऊँ, डोंट टेक प्रेशर कि यार मैं दूध नहीं आ रहा। प्रेशर ना लें, जानवर को सही पालें, अपना कहते हैं ना फर्ज पूरा अदा करें, तो फिर वेट करें, बस फिर वेट करें और फिर देखें जानवर आपके साथ क्या करता है। वो गिव एंड टेक है जी, गिव एंड टेक, वो इंसानों में भी चलता है, वो जानवरों में भी चलता है। और बाकी कोई और अगर आप किसी ने क्वेश्चन आए तो पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।